जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों अगर आपने ANM किया है और आप बिहार सरकार की गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है जॉब करने का, क्योंकि दोस्तों बिहार सरकार की तरफ से जो है ANM पर जो है बहुत ही ज़्यादा सीटों पर भर्ती आई हुई। दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इसके एलिजिबिलिटी क्या, इसकी क्राइटेरिया क्या रखी गई है और कौन कौन से लोग जो है इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे आपको जॉब के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों सबसे पहले जो हम लोग इसकी सारी डिटेल्स जान लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं इसकी टोटल पोस्ट की। दोस्तों इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 8,853 सीटों पर ये भर्ती निकली, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सीटें हैं। इसलिए मैं आपको सजेशन जरूर करूंगा कि आपने अगर ANM किया है तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करें। इसका दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं ANM होता क्या है। दोस्तों ANM जो है ऑक्सिलरी नर्स होता है, जो जिसको जो है सहायक नर्स कहा जाता है। इसका दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी की। दोस्तों इसमें जो है जनरल BC और MBC EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपये चार्ज रखे गए हैं, SC ST और PWD फीमेल के लिए 250 रुपये रखे गए हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। दोस्तों एप्लीकेशन जो है 1/7/2021 से स्टार्ट हो चुका है और एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो रखी गई है वो 1/7/2021 रखी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की। दोस्तों इसमें जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर है और मैक्सिमम एज जो है 37 ईयर रखी गई है। और दोस्तों इसमें जो SC ST और OBC कैंडिडेट को जो है एज रिलैक्सेशन की छूट दी जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। दोस्तों इसमें जो है ANM के लिए आपको जो है 2 ईयर का डिप्लोमा होना जरूरी है, जो कि आपने ANM ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से किया हो। उसके बाद दोस्तों आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में होना जरूरी है, तभी जो है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें दोस्तों जो है लड़के और लड़कियाँ दोनों जो है अप्लाई कर सकती हैं। इसका दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज भर्ती की। दोस्तों इसमें जो है जनरल कैटेगरी के लिए 2,170 सीटें रखी गई हैं और जनरल फीमेल के लिए 1,167 सीटें रखी गई हैं। EWS कैंडिडेट के लिए 665 सीटें रखी गई हैं और EWS फीमेल के लिए 323 सीटें रखी गई हैं और MBC के लिए जो है 1,088 सीटें हैं और MBC फीमेल के लिए जो है 597 सीटें रखी गई हैं और SC के लिए जो है 995 सीटें रखी गई हैं। SC फीमेल के लिए जो है 531 सीटें रखी गई हैं। ST मेल के लिए 86 सीटें रखी गई हैं और ST फीमेल के लिए जो है 20 सीटें रखी गई हैं। BC मेल के लिए 606 सीटें रखी गई हैं और BC फीमेल के लिए 314 सीटें रखी गई हैं और WC वुमेन के लिए जो है 284 सीटें रखी गई हैं। और दोस्तों ग्रैंड टोटल सीट जो है 8,853 सीटों के लिए भर्ती आई हुई है। दोस्तों मैं आपको सजेशन फिर से करूंगा, अगर आपने ANM किया है, लड़के हो या लड़के, इस फॉर्म को जरूर फिल करें। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी प्रकार का भी क्वेश्चन पूछना है आप कॉमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद।